ज्ञान वापी मस्जिद में है। बताओ कहाँ वो मस्जिद है? ये आप देख सकते हैं साक्षी गोपाल मंदिर। मध्य प्रदेश साक्षी गोपाल मंदिर नगर परिषद चित्रकूट मध्य प्रदेश। जी बिल्कुल जा सकते हैं और हम दिखा भी सकते। हाँ ऐसे ही बनते थे। कौन? नहीं गणपति बप्पा मोरिया बाबा की जय हो। संकट मोचन हनुमान जय हो बाबा की। श्री बद्री नारायण भगवान दर्शन आश्रम मीटर लगा मीटर आप देख सकते हैं। ये गुरु वरिष्ठ जो हैं वशिष्ठ हैं वो आश्रम जो है इनका यहाँ पे है। आश्रम है ये, इनके अंदर जो हैं अभी ताला बंद है। जब ये टाइम होगा सुबह मॉर्निंग का 6 बजे खुले। भरत जनक मिलाप मंदिर। भरत जनक मिलाप मंदिर इस तरफ से है, इधर से है साइड से। एक 108 वर्षीय श्री रामचरित मानस पाठ एवं अखंड ज्योति। जय हो जय श्री राम जय हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं 108 वर्षीय श्री रामचरित मानस पाठ एवं अखंड ज्योति। क्या लिखा हुआ है? द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन महाकाल सर्पयोग का निवारण। यहाँ पे सर्प, यहाँ पर सर्प काटे का निवारण होता है। अच्छा हाँ, इस तरफ भी है इस तरफ भी है। सर्प काटे का यहाँ निवारण होता है। ठीक है हाँ चलिए आइए आ जाइए संत कृपा। ये देखिए हिमशंकर लाल तेल संत कृपा वातनाशक काला तेल। यहाँ पे ये तेल जो है, यहाँ का तेल जो है ये बहुत ही एकदम खास तेल है। यहाँ पे यहाँ का विश्व फेमस यहाँ पे जो है ये देखिए आप लोग। हाँ आ रहा हूँ। स्वागत है यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये स्वागत है। पता नहीं यहाँ लेकिन क्या है, अंदर जाके पता चले। उरे रामायण क्या लिखा है, मैं जाके देखना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ तो दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह जान दे तो यहाँ रामायण लिखा हुआ है। रामायण दर्शन यहाँ पे जो रामायण, यहाँ पे जो रामायण होती है वो रामायण दर्शन यहाँ पे होता है। आप देख सकते हैं यह कलयुगा देख। डोंट डिस्टर्ब मंकी स्लीपिंग। बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे ये आ रहे हैं। ये देखिए गीता प्रेस गोरख बम्बई छापा खाना की पुस्तकें। यहाँ पे ये बुक्स जो हैं रामायण गीता वगैरह ये सारी बुक्स जो हैं धार्मिक बुक्स पुस्तकें हैं वो छापी जाती हैं गीता प्रेस गोरखपुर के उसमें। ठीक है और यहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ में आए हुए हैं और दर्शन करने के लिए हम लोग परिक्रमा करने में इस समय व्यस्त हैं। और श्री दक्षिणमुखी बालाजी हनुमान मंदिर लिखा हुआ प्राचीन रमा बैकुंठ कामदनाथ मंदिर प्रवेश द्वार।
जी बस यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे पूरा मेला परिसर है, ये पूरा यहाँ पे परिक्रमा परिसर है। यहाँ से आप जो रेलिंग लगी हुई है, इस रेलिंग के साइड से जो लोग दंडवत प्रणाम करते हुए दंडवती होते हैं, वो लोग इसके अंदर से लगाते हुए जाते हैं, और यहाँ से जो लोग जाते हैं सामने, तो यहाँ से नॉर्मल लोग परिक्रमा करते हैं। और आप ये जो परिक्रमा का जो ये जो कामतगिरी परिवर्त है, वो सारा इस जाली के उस तरफ का जो पूरा एरिया है, वो परिक्रम कामतगिरी परिवर्त का एरिया है। तो यहाँ से इसके बाद श्री रामचरितमानस अखंड पाठ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं श्री द्वारकाधीश मंदिर अखंड। ये कौन सा कुंड है? वो लिखा है भी नहीं, बिरजा। हाँ बिरजा, ये बिरजा कुंड है, आप देख सकते हैं। ये परिक्रमा के उसमें आता है, देख के भाई यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिरजा कुंड। उसमें अरे वो ऊपर जा रहे हैं, उसमें चलने के लिए बना हुआ है ना उनके, देख सकते।